सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लेनी है सुर्खियों के वाल। अमृतपाल ते लगाया गया एनएसए, पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट च दिता जवाब। ऑपरेशन साथ नूं लैके मुख्यमंत्री पंजाब दा पहला बयान आया सामने। ऑपरेशन च साथ देण लई पंजाबियों दा कीता धन्नवाद, कहा देश खिलाफ साजिश रचण वाले बख्शे नहीं जाणगे। पंजाब च इंटरनेट सेवावां मुड़ बहाल, 6 जिलों च बंद रहणगियां सेवावां। हुण खबरां विस्थार दे नाल। अमृतपाल सिंह, हर एक दी जुबान ते यही गल चल रही है कि आखिर अमृतपाल किथे है। इसे नूं लैके पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दा बयान सामने आया। पंजाब सरकार वालों एडवोकेट जनरल विनोद कई ने कोर्ट विच बयान दिता है कि अमृतपाल ते एनएसए लगाया गया, जिसते कोर्ट ने कहा है कि जेकर अमृतपाल सूबे लई खतरा है तो अजे तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। पंजाब सरकार के 80,000 पुलिसकर्मी आखिर की कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि जेकर अमृतपाल के साथी फड़ ले गए ने तो अमृतपाल नूं गिरफ्तार अजे तक क्यों नहीं किया गया। हाई कोर्ट का कहना है कि पूरा मामला इंटेलीजेंस फेलियर दा है ते पंजाब सरकार सूबे विच एक व्यक्ति नूं फड़न विच नाकामयाब साबित हुई है, जिसलिए कोर्ट ने 4 दिन बाद मामले की मुड़ सुनवाई ली सरकार नूं समा दिता है। ते हुण तुहानूं दस दईए कि आखिरकार एनएसए हुंदा की है। देश दे सब तो सख्त कानूनों विचों एक एनएसए हुंदा है, जिथे पुलिस मुलजम नूं बिना दसे हिरासत विच लै सकती है। डीसी दे लिखती आदेश ते एनएसए लगदा है हिरासत विच रखण समय मैजिस्ट्रेट सामने पेश करन दी शर्त नहीं हुंदी ते ना ही कोई कानूनी मदद मिलती है। इतों तक कि हिरासत विच लए शख्स नूं भी 5 दिनों तक कुछ नहीं दस्या जाता। खास स्थिति विच 15 दिनों तक कारण भी नहीं दस्या जाता। किसी भी कोर्ट विच पटीशन दाखिल नहीं की जा सकती, हालांकि 1 साल तक जेल विच भी रखा जा सकता। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने माड़े अंसरां खिलाफ चलाई मुहिम विच साथ देने लई पंजाबियों का धन्नवाद किया। उन्हां आखे कि पिछले कुछ दिनों तो कुछ लोग नफरत फैला रहे सन, अजिहे लोग फड़े गए ने, देश खिलाफ साजिश रचण वालियां नूं बख्शिया नहीं जाएगा। उन्हां आखे कि कुछ लोग पंजाब ते देश दा माहौल खराब करन दीआं कोशिशां कर रहे हैं। दस दईए कि भगवंत मान ने ऑपरेशन अमृतपाल बारे पहली बार पंजाब दे लोकां नूं संबोधन कीता है। इस मौके सीएम मान ने लोकां नूं शांति बनाउण दी अपील कीती है। उन्हां कहा है कि देश खिलाफ साजिश रचण वालियां नूं बख्शिया नहीं जाएगा, पंजाब दी शांति भंग करन वालियां खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि इस दौरान कोई अनसुखावी घटना नहीं वापरी है, पंजाब दी शांति भंग करन दा सुपना देखना भी गलतफहमी होगी। मेरा खून पंजाब लई धड़कदा है ते पंजाब इस समय सुरक्षित हथां विच। पंजाब में माहौल खराब करने की बातें कर रहे थे, नफरत भरी स्पीच दे रहे थे, कुछ ऐसे कानून के खिलाफ बोल रहे थे, तो उन पर कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई के दौरान वो सब लोग पकड़े गए हैं और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक कट्टर देशभक्त और ईमानदार पार्टी है। पंजाब का अमन चैन और देश की तरक्की हमारी प्राथमिकता है और कोई भी ऐसी ताकत जो देश के खिलाफ पंजाब में पनप रही हो उसको हम बख्शेंगे नहीं, क्योंकि लोगों ने भारी बहुमत देकर हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। दूसरों के बेटों को ये कहना कि आइए हम ये करेंगे, हम ये गैर कानूनी काम करेंगे, आप हमारा साथ दीजिए, बहुत आसान है।
मुझे बहुत लोगों के फ़ोन आए, बहुत पेरेंट्स के फ़ोन आए, माता पिता के फ़ोन आए कि जी आपने बहुत अच्छा किया, पंजाब में अमन और शांति रहनी चाहिए, इस मामले में हम आपका साथ देंगे, क्योंकि हमें डर था कि शायद हमारे बच्चे वो गलत बुरी संगत में ना पड़ जाएं। जबकि सरकार वो आई है जो बच्चों को पढ़ाने की, स्कूल ऑफ एमिनेंस की, बच्चों को तरक्की और रोज़गार दिलवाने की बातें कर रही है। तो हमारे लिए प्राथमिकता किताबें हैं, हमारे लिए प्राथमिकता लैपटॉप और कंप्यूटर हैं, हमारे लिए प्राथमिकता कोई गैर सामाजिक हथियार नहीं है। तो मैं 3 करोड़ पंजाबियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान बहुत साथ दिया। पंजाब में कहीं से भी कोई अप्रिय घटना या कोई पत्थर या कंकर चलने की भी घटना की रिपोर्ट नहीं आई। वारिस पंजाब दे मुखी अमृतपाल सिंह दी गिरफ्तारी नु लेके सस्पेंस बरकरार है। ऐसे दरमियान बड़ी खबर सामने आ रही है कि पुलिस ने अमृतपाल दे परिवारिक मेंबरां ते शिकंजा कसना शुरू कर दिया। सूत्रां अनुसार पुलिस ने अमृतपाल दी पत्नी ते यूके दी एनआरआई कुड़ी किरणदीप तो पुछगिछ शुरू कर दी है। पता लगे है कि पुलिस अमृतपाल सिंह ते किरणदीप कौर दे गुप्त विआह दी जांच कर रही है। हालांकि अमृतपाल दी पत्नी दा चेहरा किसी ने नहीं वेख्या, क्योंकि अमृतपाल ने मीडिया दे सामने आके कहा सी कि मेरी निजी जिंदगी नू प्राइवेट रहन दियो। दस दईए कि अमृतपाल दा विआह 10 फरवरी नू अपने जद्दी पिंड जल्लूपुर खेड़ा विच इंग्लैंड दी एनआरआई कुड़ी किरणदीप कौर नाल होया सी, ते अमृतपाल सिंह दे चाचा ते ड्राइवर ने भी पुलिस कोल आत्म समर्पण कर दिता सी। उन्हां दी गिरफ्तारी तो बाद ये अंकड़ा 114 तक पहुंच गया है। पुलिस लगातार दावा कर रही है कि अमृतपाल सिंह पुलिस टीम नू चकना दे के फरार हो गया सी, ते उस दी पाल जारी है। पिछले दिनी भी पंजाब पुलिस ने 6 अपराधिक मामलों विच लुड़िंदे वारिस पंजाब दे कारकुना विरुद्ध कार्रवाई जारी रखी है, ते सूबे विच अमन कानून नू भंग करन दी कोशिश करन वालियां नू रोकण लई गिरफ्तारियां भी कीतियां जा रही। पंजाब च वारिस पंजाब दे जथेबंदी दे मुखी अमृतपाल सिंह दे मामले विच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA दी एंट्री होगी। दस्सिया जा रहा है कि NIA दीआं 8 टीमां पंजाब पहुंच गईआं ने। टीमां वल्लों उक्त मामले विच जलंधर, तरनतारन, गुरदासपुर ते अमृतसर च जांच कीती जा रही। उत्थी दूजे पासे पूरे सूबे विच पंजाब पुलिस वल्लों तलाशी मुहिम जारी है, ते पंजाब विच अज दुपहर 12 बजे तो बाद इंटरनेट सेवावां भी शुरू हो गई ने। इस दे नाल ही पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट विच अमृतपाल सिंह दे मामले ते सुनवाई हुई है। इस च मांग कीती गई है कि अमृतपाल नू जबरन हिरासत विच रखिया गया। पुलिस ने अमृतपाल सिंह दे परिवारिक मेंबरां ते शिकंजा कसना शुरू कर दिता है। सूत्रां दे मुताबिक अमृतपाल दी पत्नी ते यूके दी एनआरआई कुड़ी किरणदीप तो भी पुछगिछ शुरू हो चुकी है, ते पता लग्गिआ है कि पुलिस अमृतपाल सिंह ते किरणदीप कौर दे गुप्त विआह दी जांच भी कर रही। भाई अमृतपाल दे करीबी दसे जाण वाले साथी ते अदाकार दलजीत कलसी दी गिरफ्तारी तो बाद एक वड्डा खुलासा होया। जानकारी मुताबिक अदाकार कोलों भी मोबाइल फोन बरामद किए गए ने, जिन्हां विचों पुलिस नूं कई ISI एजेंटां दे नंबर मिले ने। यह भी कहा जा रहा है कि दलजीत कलसी अमृतपाल ते ISI एजेंटां विचाले एक कड़ी दा काम कर रहा सी। 2 सालां विच कलसी दे खाते विच थोड़ा थोड़ा करके 35 करोड़ की राशि जमा होने की गल भी सामने आई है। अमृतपाल की दस्तारबंदी विच भी दलजीत का अहम रोल दसिया जा रहा है। यह भी जानकारी निकल के सामने आई है कि खालसा वहीर के नाम से इकट्ठी की गई फंडिंग जिसका गलत इस्तेमाल किया गया। जिक्र योग है कि कलसी अमृतपाल के फाइनेंसर वजो काम करता सी, जो कई बार अमृतपाल नु दुबई मिलन गया। फिलहाल दलजीत कलसी प्रधानमंत्री बाजे के अमृतपाल दे चाचा ते 2 साथियों समेत असाम दे डिब्रूगढ़ दी जेल विच बंद ने, ते दलजीत कलसी नु हरियाणा तो पुलिस ने गिरफ्तार किया। पंजाब दे मौजूदा माहौल दौरान सूबे दे गृह विभाग वालों इंटरनेट चलाउण बारे बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब दे 4 जिलों नूं छड़ के बाकी जिलों विच दुपहर 12 बजे तो बाद इंटरनेट सेवावां बहाल कर दित्तियां गईआं ने। इस दे नाल ही 4 जिलों तरन तारण, फिरोजपुर, मोगा ते संगरूर च इंटरनेट पूर्ण तौर ते बंद रहेगा, जदों कि अमृतसर ते अजनाला विच भी इंटरनेट बंद रहेगा।
इस तो इलावा मोहाली के YPS चौंक एयरपोर्ट से भी इंटरनेट से पाबंदी जारी रहेगी। इन्हों जिलों में 23 मार्च दोपहर 12 बजे तक इंटरनेट सेवावां ठप रहनगियां। दसनयोग है कि बीते शनिवार मतलब कि 18 मार्च को पंजाब पुलिस वालों पूरे सूबे में वारिस पंजाब के जथेबंदी के मुखी अमृतपाल के साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सूबे में अफवाहों से माहौल को बिगड़न तो रोकने लिए पंजाब सरकार वालों मोबाइल इंटरनेट सेवावां पर रोक लगा दी गई। पंजाब दे चल रहे मौजूदा हालातों देखते हुए पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि पंजाब विच अज फिर माहौल तनावपूर्ण बनया हुआ। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ लिए कानून नू अपने हाथों में लिया तो उन्होंने संविधान अनुसार बनती कार्रवाई होनी चाहिए है, पर वो लोग जो कि सोशल मीडिया का सहारा लेके इन्हों का साथ दे रहे सन उन्होंने पंजाब पुलिस से सरकार को मोहलत जरूर देनी चाहिए। नाल ही राजा वड़िंग ने कहा कि जिथे पंजाब की गल चलती है साड़ी पार्टी हमेशा पंजाब के लोगों की राखी लिए तैयार बार तैयार रहेगी। पंजाब दे विच अज फिर तनावपूर्ण माहौल बनिया हुआ है। सबनू चिंता लगी है कि आने वाला समा किहो जिहा होएगा ते किदां दा होएगा। सारयां नू मैं बेनती करना चाहुंदा है कि आपां सारयां ने पंजाब दी अमन अमान ते शांति कायम रखनी, चाहे वह किसी फिरके दे लोग है, चाहे वह किसी धर्म के लोग है, चाहे वह किसी जाति के लोग है। सब तो पहला असी पंजाब दी शांति बरकरार करके रखनी है ता जो पंजाब दा ते पंजाब दे रहन वाले लोगों का किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो सके। कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थों वास्ते कानून नू आपदे हाथ विच लिया, सिक्के टंगिया, उन्हां उत्ते संविधानक संविधान के मुताबक बनती कार्रवाई होनी चाहिए है। लेकिन कुछ लोग विचारे अनजान ते जिहड़े सोशल मीडिया के इस युग के नाल जुड़े हुए ने जिन्हां नू सिट्टे की होणगे, चंगे होणगे, माड़े होणगे, की होएगा, वो इन्ना सोचते नहीं क्योंकि नौजवान व्यवस्था है। सो उन्हां लोगों ने भी कुछ मगर लग के अगर छोटियां मोटियां गलतियां कीतियां सो मैनू लगता है कि सरकार नू ते पंजाब पुलिस नू उन्हां लोगों ते किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो अनभोल लोग है बेचारे जिन्हें गल्लां सुनाईयां उन्हां नू लग्या कि शायद यही ठीक हुंदा क्योंकि हजे वो उम्र नहीं आई उन्हां दे इधर उधर सोचण दी। कई भारतीयों समेत अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के एक समूह ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक तो मदद की अपील की है। इन्हां विच ओह विद्यार्थी शामिल ने जिन्हां दे वीज़ा लगभग 10 साल पहला ब्रिटेन विच अंग्रेजी भाषा की प्रीख्या विच धोखाधड़ी के दोषों के बाद रद्द कर दिए गए सन। एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 विच BBC की एक दस्तावेजी विच अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों ने UK के 2 भाषा प्रीख्या केंद्रों विच धोखाधड़ी के दोषों की रिपोर्ट किए जाने तो बाद वीजे रद्द कर दिए गए सन। 96 प्रीख्या केंद्रों से प्रीख्या लैण वाली एक कंपनी एजुकेशनल टैसटिंग सर्विस की जांच के बाद UK के गृह दफ्तर ने अचानक 34,000 तो वध विदेशी विद्यार्थियों के वीजे रद्द कर दिए जिस नाल उन्हां दा देश विच रातों रात रहना गैर कानूनी हो गया। एक होर मामले विच 22,000 नूं दस्या गया कि उन्हां दे टैस्ट दे नतीजे शकी सन। इन्हां विद्यार्थियों नूं उन्हां दी यूनिवर्सिटियां विचों तुरंत प्रभाव नाल बाहर कर दिता गया सी। दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं चिट्ठी लिख के दिल्ली का बजट ना रोकने की अपील की है। इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय राजधानी विच केंद्र ते आम आदमी पार्टी की सरकार विचाले जारी विवाद के पिछोकड़ केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है। केंद्र सरकार ने दिल्ली विधानसभा वित्तीय साल 2023-24 के बजट में पेश करने ते रोक ला दी है। देश के इतिहास पहली बार अजिहा होया है कि एक सरकार के बजट से रोक लगा दी गई है। आपने इसका वीडियो सोशल मीडिया मंच ट्विटर से साझा किया है। दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केजरीवाल सरकार के बजट से रोक लगा दी है तो इस विधानसभा अज पेश नहीं किया जाएगा। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी कहा है कि पिछले 75 साल पहली बार है जो किसी सूबे का बजट रोक दिता गया। तुसी दिल्ली वालों तो क्यों नाराज हो? दिल्ली का बजट ना रोको, हाथ जोड़ के दिल्ली वासी तुहाडे तो बजट पास करन दी अपील करते हैं।
ट्रैफिक पुलिस अमृतसर वालों ट्रैफिक नूं सुचारू ढंग नाल चलाउण दे लई अमृतसर ट्रैफिक पुलिस वालों मौजूदा हालातों के चलदियां जगह जगह नाके लगाएगी, जिस दौरान बुलेट के पटाके पाउण वाले ते कालियां फिल्मां दे चलान कट्टे गए। नाल ही पुलिस वालों शक्की व्यक्तियों की तलाशी भी ली। डीजे अजैक्स नां नाल मशहूर गायक अक्षय कुमार का बीती 18 मार्च नूं देहांत हो गया। दस्या जा रहा है कि डीजे अजैक्स की लाश उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित घर विच लटकदी मिली, जिथे डाक्टरां ने उसनूं मृतक ऐलान कर दिता है। यह भी दस्या जा रहा है कि डीजे अजैक्स ने अपनी प्रेमिका वालों ब्लैकमेल करन करके खुदकुशी की है। खबरां ने कि डीजे अजैक्स से उसकी प्रेमिका विचकार पिछले समय तो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा सी। इन्ना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि उसकी प्रेमिका किसी होर नाल भी रिलेशनशिप च सी, जिसनों गायक बर्दाश्त नहीं कर सकिया ते उसने इस खौफनाक कदम नूं अंजाम दिता। जयपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए नेपाल सरहद तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लुड़ींदे अपराधी ते सरगने रितिक बॉक्सर नूं गिरफ्तार किया। रितिक ते 1 लाख रुपए का इनाम है। एक पुलिस अधिकारी ने दसिया कि 28 जनवरी की रात नूं जयपुर के जवाहर सर्कल थाना खेतर के जी क्लब च 3 बदमाशा ने गोलीबारी की सी। घटना तो बाद बदमाश रितिक बॉक्सर ने सोशल मीडिया से पोस्ट करके इसकी जिम्मेवारी चुकी सी। इस विचाले पुलिस का कहना है कि उसके खिलाफ गोलीबारी से जबरन वसूली नाल जुड़े एक दर्जन तो वध मामले दर्ज ने। उन्होंने दसिया कि उसके खिलाफ जनवरी विच जयपुर के जी क्लब विच गोलीबारी करन क्लब के मालक तो 5 करोड़ रुपए की फिरौती मंगन के मामले विच केस दर्ज किया गया सी ते उसने फेसबुक जरिए इसकी जिम्मेवारी ली। मौसम विभाग अनुसार पंजाब विच अगले कुछ दिन बारिश जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 21 तो 22 मार्च नूं हल्का ते 23 ते 24 नूं भारी मीह पैण की पेशनगोई की गई है। इस दे नाल ही 40 तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नाल हवावां चल सकदियां ने। दस दिए कि पंजाब ते हरियाणा विच पिछले 3-4 दिनों तो रुक रुक के पै रहे मीह तो बाद दोपहर समय बीते दिन पए गड़िया मीह ते तेज हवावां ने खेतों में तैयार खड़ी हाड़ी की फसल डेग दी है। मीह ते तेज हवावां करके पक्की हुई फसल हेठां डिग गई है। इस नाल कणक दा दाणा सुंगड़ सकदा है ते फसल दे झाड़ ते भी असर देखण नूं मिलेगा। किसानां दा दसना है कि तेज मीह पैण करके खेत पानी विच डुब गए ने ते जो फसल लई नुकसानदायक साबित होवेगा। मीह दा फल ते सब्जियां दी फसल ते भी असर पवेगा। हुण नजर मारदे आं अज दे मौसम दे हाल दे वल। इस दे नाल ही खबरों का सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत, धन्नवाद।